नेक्स्ट टॉपिक के टूवर्ड्स बढ़ेंगे हम। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। आने वाला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब रिसोर्सेज डेवलपमेंट के पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं रिसोर्सेज के जो नेशन को फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। हर खराबी में, हर डिसएडवांटेज में इंसान का हाथ होता है। ठीक है, जैसे हर कामयाबी में एक औरत का हाथ होता है, वैसे हर प्रॉब्लम्स देने वाले जगह पर एक इंसान का काम होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है मनुष्य तुच्छ प्राणी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम, मेनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट। ठीक है, आप लोग जानते हो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ह्यूमन अपने फायदे के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है, जितने भी फॉरेस्ट है उसको कट डाउन कर रहा है और उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज कर रहा है। तो फॉरेस्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। देन रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल्स। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज जो है वो कुछ ही लोगों को इंजॉय करने मिलते हैं, जैसे रिच एंड पुअर वाला क्लास। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिच एंड पुअर का क्लास बनता है। ठीक है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास बनते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी रिच पर्सन होते हैं उनको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने मिलता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में जाते हो, ठीक है, यानी कि आप जब बोरीवली और दहिसर क्रॉस करते हो तो वहां पर वाटर जो होता है वो 24/7 मिलता है। कितना? 24/7, बिकॉज वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह चलती है, वहां पर यानी कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, वहां के लोग वहां पर ज्यादा करके मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स वहां पर हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बट अगर आप दहिसर के बाद आते हो, ठीक है, आउटस्कर्ट्स में आते हो मुंबई के, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर एक घंटा, दो घंटा या दिन में दो बार, वो भी टाइम के एक एक घंटे के लिए ऐसे ही आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो जब हम अगर एक घंटा दो घंटा वाटर जमा करके भी अगर हम चल सकते हैं, अगर हम यूज कर सकते हैं, तो वो लोग भी उतना ही वाटर यूज कर सकते हैं, बराबर। तो 24/7, इसलिए हमारे यहाँ पर वाटर कम सप्लाई किया जाता है, उनके यहाँ पर वाटर 24/7 सप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन। तो ये एक हो जाता है कि अगर क्लासेस बनते हैं रिच क्लास पुअर क्लास, तो कुछ लोगों को रिसोर्सेस काफी ज्यादा मिलते हैं और कुछ लोगों को रिसोर्सेस नहीं मिलता है। देन लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर द अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कि आप लोग जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर्स में जो होल्स हो रहे हैं, डिप्लेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें आप जानते हो कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं अगर रिसोर्सेज को आप इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि आप प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो। क्लियर हुआ? समझ रहा है? ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल का मतलब होता है आने वाले फ्यूचर में भी हम उसको यूज कर सके। कुछ डेवलपमेंट ऐसी जो आने वाले वक्त में भी हम कर सकते हैं, यूज हो सकती है, उस डेवलपमेंट को हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आज अगर मैं कोई डेवलपमेंट करता हूँ तो मैं ये मेक श्योर करके करूँ कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सके। ठीक है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जहां पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको इकोनॉमी की भी सोचनी है, ठीक है, आपको सोसाइटी का भी सोचना है और आपको एनवायरमेंट का भी सोचना है, और कुछ डेवलपमेंट ऐसे करना है जो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ग्रीन इकोनॉमी दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, लो कार्बन ग्रोथ, ठीक है, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यूज कर रहे हैं, जो कार्बन यूज हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जो कि एनवायरमेंट के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, रिसोर्सेज एफिशिएंसी, जिस पर्टिकुलर जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पर रिसोर्सेज पहुंचाओ। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ वाटर इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, बराबर, राजस्थान में जो
गांव है, तो ये जो विलेजेस हैं उस पर्टिकुलर सिटी में है, बट गांव में अभी भी कहीं ना कहीं जगह पर प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। तो वहां तक वाटर पहुंचाओ कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें है, ऐसे डेवलपमेंट करनी है हमें। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज एफिशिएंसी, हर जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल कराओ, प्लेंटी ऑफ अवेलेबल होना चाहिए। और सोशल इंक्लूसिविटी, यानी कि सोशल, यानी कि आप अपने अंदर अपने बीच सोशल हार्मनी रखो। ठीक है, नाउ व्हाट इज सोशल हार्मनी? सोशल हार्मनी इज नथिंग बट अपने अंदर एक ह्यूमैनिटी रखनी है। ठीक है, अपने अंदर की अपर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिच पीपल, पुअर पीपल, ये जो सोच है, जो पुराने जमाने के लोगों की सोच है, इन सोच को इराडिकेट करो, जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। ठीक है, अब आप बीइंग अ ह्यूमन, आप सभी को ये रिसोर्सेज को यूज करने की एक आपकी खुद की ड्यूटी है, आपको राइट से कि आप सभी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब इंसान है तो वो पानी नहीं पी सकता, सिर्फ अमीर इंसान ही पानी पी सकता, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है कि आपकी सोच को क्या करना है, बदलना है। जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा चेंजेस जो है वो है आपकी सोच। अगर आपकी सोच बदलेगी तो सबसे बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है, इकोनॉमिक कंट्री की। समझा? तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीजों के लिए अगर मुझे कोई स्टेप लेना है तो प्लानिंग इज मस्ट नेसेसरी फॉर इट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, ठीक है, तो जितने भी क्लास में अगर 1 टू 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं तो हमारी प्लानिंग्स होती हैं। ठीक है, सारे टीचर्स को बैठाया जाता है, टीचर से पूछा जाता है कि कल कौन क्लास में जाने वाला है, कल कौन क्लास में जाने वाला है। ठीक है, हमारी प्लानिंग होती है कि यस कल संडे है, कल मुकेश सर का लेक्चर है 10:30 से। तो ये क्या होता है? प्लानिंग होता है, और अकॉर्डिंगली प्लान के थ्रू हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? सो रिसोर्सेज प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कोई भी कंट्री के लिए। ठीक है, हर कंट्री में रिसोर्सेज प्लानिंग की जाती है। ओके, रीड करो रिसोर्सेज प्लानिंग। यस, इसको एक स्किल बोला है। कभी भी प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग एक स्किल होता है। किसी चीज को अगर आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो तो क्या होता है? स्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो अपने पेरेंट्स से कि इस ये महीने का घर मैं चलाऊंगा, तो क्या होगा कि ये महीने के घर आप चलाओगे, तो ये क्या है? एक प्लानिंग है। ठीक है, तो हर चीज के लिए प्लानिंग, और ये प्लानिंग ही सबसे बड़ा स्किल है। ठीक है, जिसे आपको क्या करना पड़ेगा? वक्त के साथ सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ टेक्निक। एक टेक्निक की जरूरत है, एक स्किल की जरूरत है। किसी भी चीज को एडमिनिस्ट्रेट करना, ठीक है, आपको वक्त के साथ धीरे धीरे आना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, आपको आपके स्टडीज की प्लानिंग आपके अपने ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए कोई और करके देगा नहीं। ठीक है, तो कंट्री या प्लान कैसे करेगा अपने रिसोर्सेज को? स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? तीन चीजें यहाँ पर। एक होगा आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन, मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कंट्री में रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है। ठीक है, अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कंट्री में वाटर प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से रिसोर्सेज का लैकनेस है, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, जिसका लैकनेस है उसकी अवेलेबिलिटी में करवाऊंगा। तो आइडेंटिफिकेशन होगा, सबसे पहले मैं सर्वे करेगा। ठीक है, सर्वे करूंगा, हर जगह पर जाऊंगा और आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा स्टेट कौन से पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए माना जाता है। बराबर है? फॉर एग्जांपल मैंगोस फ्रॉम रत्नागिरी, रत्नागिरी इज फेमस फॉर मैंगो। बराबर, अब वही मैंगो अगर रत्नागिरी में प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है और अगर वो मुंबई में नहीं है, तो मुंबई में नहीं है तो मुझे मुंबई में अवेलेबल कराना पड़ेगा। मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा फ्रॉम रत्नागिरी टू मुंबई, इधर के लोगों को भी मिल जाएगा, वहां के लोगों को भी मिल जाएगा। तो ये है आइडेंटिफिकेशन। लिस्टिंग, जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप इतने जीनियस नहीं हो, ठीक है, पढ़ाई के चंद शब्दों ही आपको याद नहीं रहते, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप क्या करोगे? लिस्टिंग करोगे। क्या करोगे? लिस्टिंग। आप लिस्ट बनाओगे एक, ठीक है, जैसे मम्मी बोलती है राशन लिखने, आप राशन का क्या करते हो? लिस्ट बना देते हो। नहीं तो होगा क्या, राशन वाले भैया के पास जाओगे और बोलोगे ये लाना है, ये लेना है, अरे बाकी का तो मैं भूल गया, वापस पूछ के आते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगा, तो लिस्टिंग होगा। देन नेक्स्ट टू द आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग के बाद आएगा
प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोकना है, चीजें जो खराब हो रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उन चीजों को रोकने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट अगर कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लाएगा, तब तक ह्यूमन बींग सीधे नहीं होंगे। होता है ना, आपने कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देने पड़ेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा, ठीक है, तो लोग सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो रिच एंड पुअर का क्लास है, ये खत्म हो जाएगा, सोच चेंज होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी सोच बदलना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन लास्ट वाला है मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के जितने भी प्लान्स है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से काउंट कर कैलकुलेट मैच करना पड़ेगा। अब ये मैचिंग क्यों, बिकॉज बीइंग अ सिटीजन इट्स योर ड्यूटी टू फॉलो योर कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉलो योर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलती है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मैं रिसोर्सेज प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने लोगों को रिसोर्सेज वेस्ट करने से मना किया, बट मैं नेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा मुझे। मैं तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि अगर मुझे रिसोर्सेज मुझे अगर कम करवाने, तो ऐसा नहीं कि मैंने मारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि बैच में अगर कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपर नहीं है, एजुकेशन अगर कमजोर है, तो मुझे उनके वे से उनको ठीक करना होगा। मैं मारूंगा पीटूंगा तो चलेगा क्या, नहीं, मैं मारूंगा पीटूंगा तो क्या होगा, मुझे ऊपर भी हायर अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा। हायर अथॉरिटी क्या बोलेगा कि मार पीट कर अगर आप करोगे तो सर आप काम मत करोगे, ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि हमें पेरेंट्स को आंसर करना है। तो आपको रूल्स के साथ आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है? ये था हमारा टॉपिक ऑन रिसोर्सेज प्लानिंग। याद करो पहला वाला कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। पहला वाला कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा कौन सा है, प्लानिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा होगा मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्या होगा, मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्या होगा, मैचिंग ऑफ रिसोर्सेज। एक बार वापस, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन,